हाय गाइस, टॉक टू इंग्लिश पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग मस्ट, वुड, बिगन टू और यूज टू के प्रयोग को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मस्ट की। मस्ट की हिंदी चाहिए होता है जब किसी वाक्य में किसी काम पर बहुत जोर दिया जाए तो मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट प्ले, तुम्हें अवश्य खेलना चाहिए, या तुम्हें खेलना ही चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग हुआ। यानी जब जोर दे के कहा जाए कि आपको यह करना ही है, करना ही चाहिए, तो मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे यू मस्ट प्ले, यू मस्ट रीड इत्यादि। अब बात करते हैं वुड की। वुड का प्रयोग तब होता है जब किसी वाक्य के अंत में गा गे गी हो, और इसमें जब किसी से कोई रिक्वेस्ट या ऑफर किया जा रहा हो। जैसे यू वुड टेक टी, क्या आप चाय लेंगे, इसके अंत में गागेगी में से गे है और ऑफर किया जा रहा है, चाय लेने के लिए पूछा जा रहा है, तो वुड का प्रयोग होगा। अब बात करते हैं बिगन टू की। जहाँ पर भी लगा, लगी, लगे हों, वहाँ पर बिगन टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई बिगन टू रीड, मैं पढ़ने लगा। द डॉग बिगन टू बार्क, कुत्ता भौंकने लगा, इत्यादि। अब बात करते हैं यूज्ड टू की। इसमें पुरानी आदतें या यादों को बताया जाता है, और इसके अंत में करता था, करती थी, करते थे होता है। जैसे मैं पढ़ा करता था, आई यूज टू रीड, वह खेला करता था, ही यूज टू प्लेड, इत्यादि। आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगले वीडियो में, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।